फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि टाइम सीरीज क्या होता है। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम सीरीज मतलब क्या, फ्यूचर के डेटा को हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो टाइम सीरीज एनालिसिस भी एक बिजनेस को फोरकास्ट करने का टूल्स है, तरीका है। टाइम सीरीज का कुछ हम लिखे हुए हैं, ए टाइम सीरीज इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ स्पेसिफाइड टाइम यूजुअली एट इक्वल इंटरवल। बोला जा रहा है कि टाइम सीरीज एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम को हम लोग ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, सेट कर देते हैं कब कब क्या हमारा ट्रेंड रहता है। जैसे देखिएगा, प्रत्येक बिजनेसमैन का लाइफ में कभी बूम पीरियड आता है, कभी क्या आता है, रिसेशन आ जाता है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी रिकवरी होता है, चार फेज होता है। बूम कब आता है, जैसे मान लीजिए कपड़ा का व्यापारी है, तो बूम पीरियड कब आएगा, पूजा पाठ के समय, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, ईद हो गया, इस समय ये लोगों का बूम पीरियड रहता है, कपड़ा ज़्यादा बिकता है, सभी लोग सोचते हैं कपड़ा खरीद लें। रिसेशन क्या होता है, नॉर्मल पीरियड में रिसेशन नॉर्मल चल रहा है, कभी कभी एकदम नहीं चलता है, वो डिप्रेशन वाला टाइम हो जाता है, फिर उससे लोग निकलते हैं। समझ रहे हैं? तो टाइम सीरीज क्या करता है कि एक टाइम सीरीज एक क्या है, सेटअप ऑब्जर्वेशन है कि स्पेसिफाइड टाइम कब क्या होने वाला है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक बिजनेसमैन के लाइफ में ऐसा ही होता है। समझ रहे हैं? आइए, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के कितने कंपोनेंट्स है, टाइम सीरीज के टोटल चार कंपोनेंट्स है। पहला क्या हम लोग का, सेकुलर ट्रेंड या सिंपली ट्रेंड, समझ पा रहे? दूसरा आप लोग का सीजनल वेरिएशन, एक साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर और रैंडम मोमेंट। कितना ट्रेंड है, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स कितना, चार तरीका कंपोनेंट्स है। एक सिंपल ट्रेंड है जो सिंपल होता है, समझ पा रहे? और एक क्या, सीजनल वेरिएशन, सीजन वाइज चेंजेज आएगा, समझ पा रहे? उसके बाद क्या, साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन का मतलब होता है कि एक समय, एक टाइम पीरियड के बाद हमारा चढ़ाव उतार आएगा, उसको कहते हैं साइक्लिकल। और क्या, इरेगुलर और रैंडम मोमेंट, कभी कभी अचानक से हो जाता है, जैसे कोयला का व्यापारी या ईंट सीमेंट वाला व्यापारी जो है, कभी ये लोग का रैंडम होता है, कभी खूब ज़्यादा हो रहा, कभी नहीं हो रहा। समझ रहे क्या बोल रहे? तो ये लोग का क्या होता है, इरेगुलर और रैंडम मोमेंट। तो कंपोनेंट्स कितना, चार, टिक्के में पूछेगा इसलिए याद रखिएगा, कंपोनेंट्स कितना है, चार। कौन कौन है, सेकुलर या सिंपली ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर और रैंडम मोमेंट। क्लियर है? मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड को मापना है, बिजनेस का ट्रेंड को मापना है, तो इसको मापने का टोटल तीन तरीका है। पहला फ्री होल्ड मेथड या ग्राफिंग मेथड, ग्राफ से समझ जाइए, जैसे ग्राफ होता है ना, क्रिकेट में ग्राफ होता है, तो वैसे ही इसका भी ग्राफ होता है, ग्राफ से आप समझ सकते हैं। दूसरा है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड में नॉर्मल एवरेज, जैसे मान लीजिए 5 साल का डेटा दिया है, तो पाँचों को जोड़िए, 5 से डिवाइड, इसको हम सेमी एवरेज कहेंगे। और मूविंग एवरेज तो हम लोग सीखेंगे, समझ रहे? किसका बात कर लो, मूविंग एवरेज मेथड। माने ट्रेंड को मापने का कितना मेथड है, तीन। कौन कौन, फ्री होल्ड मेथड या ग्राफिंग मेथड, दूसरा सेमी एवरेज मेथड, और तीसरा क्या है, मूविंग एवरेज मेथड। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज को करने का कितना मेथड्स है, टाइम सीरीज को करने का टोटल तीन मेथड है। पहला मूविंग एवरेज मेथड, दूसरा वेटेड मूविंग, और तीसरा फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड आज के क्लास में मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज ही हो पाएगा, फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड नेक्स्ट क्लास में होगा, समझ पा रहे? फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को करने जाइएगा ना, तो उसे फिट करना पड़ता है, एक्स दे करके, एक्स देकर फिट करना पड़ता है। कब फिट करना पड़ेगा, जब क्या बनाएंगे, फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, फिटिंग स्ट्रेट लाइन। अब फिटिंग दो तरीका का होता है, एक होता ऑड और एक होता इवन। अब काउंट कर लेना होगा, जो सवाल में डेटा दिया रहेगा, सवाल में जो डेटा दिया रहेगा उसे काउंट कर लेना है। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कितना डेटा, 5। अब इसे पहचानना कि ऑड है कि इवन है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो ऑड है, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा वो क्या, इवन है। तो ये तो क्या है, ऑड है। तो ऑड को फिट ऐसे ही करेंगे, हर सवाल में खुद से फिट करना होता है, फिट खुद से करना होता है एक्स मानकर। कौन सा मेथड में फिट करना पड़ेगा, जब ये मेथड पढ़ेंगे, खैर हम लिखे हैं इसलिए समझा रहे हैं। किसका बात करें, फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, फिटिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्स देके खुद फिट करना है, बीच वाला देखिएगा कौन सा है, एकदम मिडिल। मिडिल को क्या कर देंगे, जीरो। ऊपर में जाएंगे तो कंटिन्यूस जाना है माइनस में, ऊपर में जाएंगे तो कंटिन्यूस जाना, कैसे जाना है, माइनस में। जीरो, -1, -2, -3, -4, जितना रहेगा उतना जाएंगे, समझ रहे?
ऐसे तो यहाँ माइनस टू तक ही काम चल जा रहा, और नीचे आएंगे प्लस में 1 2 3 ऐसे करके। ये ऑड को फिट करने का तरीका है, ऐसे ही ऑड को फिट करना है। इवेन कैसे पता चलेगा इवेन दिया है, काउंट करके। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना डेटा दिया भाई, 6। तो क्या ऑड है कि इवेन है? इवेन। तो इवेन को फिट करेंगे कि बीच मिडिल वाला, एग्जैक्ट तो मिडिल होगा नहीं, ऑड में एग्जैक्ट मिडिल होगा लेकिन इवेन में एग्जैक्ट मिडिल नहीं आएगा। देखिए ऊपर से दो छोरे हैं, नीचे से दो छोरे हैं, तो ये मिडिल हुआ 30 और 40। तो मिडिल वाला पकड़ लेंगे बीच में कौन सा हो रहा है। एक वो नहीं मिलेगा मिडिल, आपको दो तो मिलेगा, ये ध्यान देना होगा। अब जीरो लिखना है, यहाँ तो एक तो डायरेक्ट जीरो लिख दिए लेकिन इसमें जीरो लिखना है। तो जीरो कैसे लिखेंगे, एक ठो को माइनस वन, एक ठो को प्लस वन, एक ठो को माइनस वन, एक ठो को जीरो लिख दिए। ऊपर में जाएंगे ना तो दो दो बढ़ा के, दो दो का गैपिंग करके माइनस में जाना है, ऑड में कंटिन्यू जाना है, और इवन में क्या करना है, दो दो बढ़ा के जाना है। तो वन के बाद क्या होगा, थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, दो दो गैप करके इवन में, और नीचे आना है ना तो प्लस में आना है, दो दो गैप करके, वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन, जितना दरकार है इस तरीके से फिट करेंगे। क्लियर है क्या, जब फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। आज के क्लास में हम लोग को करना है मूविंग एवरेज, और क्या करना है, वेटेड मूविंग एवरेज। अब नीचे देखिए एक सम लिख के रखे हैं, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछे हैं, फाइंड थ्री ईयर मूविंग एवरेज। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पूछे हैं कि शॉर्ट टर्म का क्या फ्लक्चुएशन हो रहा, और क्या पूछे, थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज के लिए हमें थोड़ा वेट चाहिए, वेट, तो वेट ब्रैकेट में सवाल में दिया रहेगा, वेट हम नहीं लिखे हैं, लिख देना 1 2 1। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो दो इसमें सॉल्व करना है, एक है मूविंग एवरेज और एक है थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। कैसे बनेगा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि थ्री ईयर है कि फाइव ईयर है कि फोर ईयर है, तीन तरीका का होता है, थ्री फोर फाइव, थ्री फोर, अभी हम लोग थ्री ईयर करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नीचे हम लोग कैसे होगा ध्यान से सुनिए, सुनिए फॉर्मेट कर लेंगे, हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ थ्री ईयरली मूविंग एवरेज, फाइव रहेगा तो फाइव ईयरली, फोर रहेगा तो फोर ईयरली, थ्री ईयरली मूविंग एवरेज। ये हेडिंग हो गया, दिया क्या है भाई क्वेश्चन में, ईयर दिया है, कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया है ना, फिर क्या दिया, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 2 4 2 4 5 7 8 10 13, ये वैल्यू दिया। क्लियर, थ्री ईयर मूविंग एवरेज निकालना है तो इसके लिए निकालेंगे थ्री ईयर मूविंग टोटल, अगर फोर ईयर मूविंग एवरेज निकालना है तो फोर ईयर मूविंग टोटल, और फाइव ईयर निकालना है तो फाइव ईयर मूविंग टोटल। तो इसके बाद हमें, ये तो क्वेश्चन का है, हमें निकालना थ्री ईयर मूविंग टोटल, थ्री ईयर मूविंग टोटल, ध्यान से सुनिए, थ्री ईयर बोला है ना तो फर्स्ट थ्री को पकड़ लेंगे, जितना बोलेगा फर्स्ट उतना को पकड़ लेना है, थ्री ईयर बोला है, फर्स्ट थ्री को पकड़ लिए, फर्स्ट थ्री को पकड़ लिए तो इसमें मिडिल वाला कौन सा आ रहा है, देखिए तो फर्स्ट थ्री में फोर, इसके सामने से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, थ्री ईयर मूविंग टोटल मैंने तीन साल का टोटल करना होगा, तो कैसे करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, कोई तकलीफ हो गया। अब कंटिन्यू हम टोटल करते जाएंगे, बीच वाला पकड़ लिए ना, अब फोर के बाद कहाँ आ जाएंगे, फाइव पे, तो यहाँ भी तीन साल का करना है तो ऊपर से एक एक एलिमिनेट हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा, मैंने पहला दो से चालू हुआ, दो छोड़ देंगे, अब किससे करेंगे, 4 5 7, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, अब फोर ले लिए ना,
तो फोर एलिमिनेट हो जाएगा, आप किससे लेंगे? फाइव से, तीन तीन साल का जोर से चलना है। इसके सामने होगा फाइव सेवन एट, अब फाइव पे लिए ना, तो फाइव एलिमिनेट हो जाएगा, किससे चालू करेंगे? सेवन से। समझ पा रही क्या बोल रहे हैं? सेवन एट टेन, सेवन ने लिए ना, अब कैसे चालू होगा? एट से, तो एट टेन थर्टीन। देखिए ऊपर में एक तो छूटा है ना, तो नीचे भी एक तो छूट गया, देखा? ऊपर में दो छूटेगा तो आप ऐड कर जाइएगा, तो नीचे भी दो छूटेगा। क्लियर है? क्लियर। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करके बताइए तो कितना होगा? चार तीन छः पाँच ग्यारह, और इधर कितना होगा? पाँच चार नौ, नौ सात सोलह। हम लोग ये नंबर का सोल्यूशन करते हैं। ये कितना हो रहा? सात पाँच बारह, बारह आठ बीस, आठ सात पंद्रह, पंद्रह दस पच्चीस, दस आठ अठारह तेरह, ये हो रहा ना। निकालना क्या है? थ्री ईयर मूविंग एवरेज, थ्री ईयर मूविंग एवरेज निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड बाई इसको डिवाइड बाई क्या करेंगे? थ्री डिवाइड बाई, चलाइए कैलकुलेटर, इलेवन डिवाइड बाई थ्री, बताइए कितना हो रहा? सिक्स सेवन कर देते हैं। सोलह डिवाइड बाई थ्री करिए कितना हो रहा? फाइव पॉइंट। बीस डिवाइड बाई थ्री करिए, पच्चीस डिवाइड बाई थ्री, और इकतीस डिवाइड बाई थ्री करिए, टेन पॉइंट हो गया। क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। अब क्या करना है? अगर खाली बोलता कि थ्री ईयर मूविंग एवरेज निकालिए तो यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन एमसीक्यू है, एमसीक्यू में क्या पूछेगा? पूछ सकता है थ्री ईयर मूविंग टोटल, टोटल करके मारिएगा टिक, समझे? थ्री ईयर मूविंग एवरेज बोलता है तो मूविंग एवरेज करके टिक लगाइएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और एक और चीज़ लिखवाएं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएसन। अगर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएसन बोलेगा तो एक लाइन भर जाएगा, नहीं बोलेगा तो यहीं पर आंसर ख़त्म होगा। समझे क्या बोले? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बोलेगा तो एक लाइन बढ़ जाएगा, नहीं बोलेगा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन क्या करेंगे भाई? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैसे बनेगा? ये किसके सामने है? फोर के सामने है ना, किसके सामने है? फोर के। तो फोर में से इसको, ये जो आया आंसर, इसको माइनस करना है। फोर माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, और ये फाइव माइनस फाइव पॉइंट थ्री थ्री, ये सेवन माइनस, हमको लग रहा सब में वही आएगा क्या? और एट माइनस एट पॉइंट थ्री थ्री, टेन माइनस टेन पॉइंट थ्री थ्री, कितना आया ये? वही मैंने पॉइंट थ्री थ्री, और ये माइनस में पॉइंट थ्री थ्री, ये पॉइंट थ्री थ्री, ये माइनस ऑफ पॉइंट थ्री थ्री, और ये माइनस ऑफ पॉइंट थ्री, यही ना। इसको कहेंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म कोई तकलीफ? क्लियर है? ए नंबर हम लोग का बन चुका है। बी नंबर में क्या निकालना है? थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। तो जगह तो है नहीं, पहले इसको कॉपी करिए, फिर थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज में आते हैं। सुनिएगा, हाथ को स्टॉप कर लीजिए, अब हाथ को स्टॉप कर लीजिए। ईयर और वैल्यू दिया है, यहाँ पे निकालना होगा थ्री ईयर वेटेड मूविंग टोटल, मूविंग टोटल नहीं, वेटेड मूविंग टोटल। क्या निकालना होगा हम लोग को? थ्री ईयर वेटेड मूविंग टोटल, थ्री ईयर वेटेड मूविंग टोटल, इधर हो जाएगा थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। कैसे निकलेगा? फर्स्ट थ्री को पकड़ लेना है, जैसे किए थे वैसे ही, और जिस डायरेक्शन में बैठाए थे, यहाँ पे बीच में पड़ रहा है ना मिडिल में, तो जिस डायरेक्शन में बैठाए थे उसी डायरेक्शन में पहला आपको बैठा देना है। ये बैठा थे ऊपर से एक छोड़ छोड़ के किए थे, तो यहाँ करेंगे तो कितना होगा? फाइव, फाइव नहीं होगा, फोर, फोर फाइव सेवन, यही होगा ना। फिर छोड़ेंगे तो कितना होगा? फाइव सेवन
8, फिर छोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 8, 10, फिर छोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 10, 30, जैसे कि था वैसा ही। अब वेटेड करना है ना, तो वेट कितना 1 टू 1, तो क्या करना वेट से, पहला वाला में 1 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला में 2 से होगा, तीसरा में 1 से। अब जगह छोड़ के कर लीजिएगा, थोड़ा आसान पड़ेगा, नहीं तो फिर प्लस करिएगा, फिर इनटू दीजिएगा, परेशानी हो जाएगा। मैंने वेटेड अगर पूछ लिया तो पहले जैसे हम लोग ये नॉर्मल करते वैसे कर लेंगे, जगह छोड़ छोड़ के फाका फाका। और फिर पहला वाला में कितना से मल्टीप्लाई 1 से, दूसरा वाला में 2 से, तीसरा वाले में 1 से। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कौन सा नहीं, नहीं पहले ये समझिए ना, वो शॉर्ट टर्म उसमें इसमें नहीं होता, प्लस छोड़ कर खाली उसमें होता है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे इसका, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, है ना, आइए सोल्व करते हैं। 2 into 1 कितना हुआ 2, 4 into 2 कितना हुआ 8, और 5 into 1 5, तो 8 और 5 कितना हो रहा 13, 13 into 2 15, यहाँ कितना हो रहा 10, 10 7 17, 17 4, यहाँ कितना हो रहा 14, 14 5 19, 19 8 27, यहाँ कितना हो रहा 7, 7 16, 23, 23 10, 33, यहाँ कितना हो रहा 20, 20 8 28, 28 13 कितना होगा 41, 41, ठीक है। अब निकालना है 3 year वेटेड मूविंग एवरेज, तो वेटेड मूविंग चाहिए तो वेट से डिवाइड करना होगा, तो वेट है कितना 1 + 2 + 1, तो 2 × 3 = 4, माना डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई सबको 4 से डिवाइड करिए तो 15 / 4, 21 / 4, 27 / 4, पहला वाला, दूसरा वाला 5.25, तीसरा 6.75, 33.25, 8.25, 41, 10.25, हो गया। ये हुआ 3 year वेटेड मूविंग एवरेज, 3 year वेटेड मूविंग एवरेज। कोई दिक्कत है क्या इसमें? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन नहीं होता इसमें, खाली क्लियर समझ गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया 5 year मूविंग एवरेज निकालिए, ये तो 3 year है, 5 year अगर पूछ लिया, हम आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। मान लीजिए ईयर दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वैल्यूज कुछ भी दे दिया 2, 7, 9, 8, 4, 3, 1, मान लीजिए दे दिया, 5 से तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है यहाँ तक, लेकिन 5 year मूविंग टोटल निकालना होगा। यहाँ पे करेंगे हम लोग 5 year मूविंग टोटल, तो इसको करने के लिए 5 year मूविंग टोटल को करने के लिए फर्स्ट 5 को पकड़ लेना होगा, रहिए मिडिल में कॉर्नर रहिए तो 0 हो जाएगा, सॉरी फिट तो करना नहीं है, मिडिल में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा ना, तो इसके सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे, कितना साल का वैल्यू जोड़ेंगे 5 साल, कितना साल, कितना 2 + 7 + 9 + 8 + 4, ओके। अब ऊपर से 2 छोड़ देंगे, एक एक एलिमिनेट करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, कितना होगा 7 + 9 + 8 + 4 + 3, ये ना, अब फिर कितना हो जाएगा 9 + 8 + 4 + 3 + 1, ऊपर से 2 छूटा है तो नीचे भी 2 छूटे, जोड़ने से बनेगा ही नहीं, जोड़ के देखिए ना, पीछे 9 छोड़ दीजिएगा तो कितने बनेगा 8 + 4 = 3, 1 था 8 + 4 = 3, 1 चार ही तो हो रहा, 5 तो चाहिए, समझे, ये टोटल कर लीजिएगा, अब उधर में क्या आ जाएगा 5 year मूविंग एवरेज डिवाइड 5 डिवाइड बाई बन जाएगा ना, अगर 5 year पूछता है तो। इसको पहले कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते, हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ 4 year मूविंग एवरेज। क्वेश्चन हमारा ये ईयर और सेल्स दिया है जो कि नीचे है, क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है हमारा, क्या दिया भाई, फाइंड 4 year मूविंग एवरेज, ईयर और सेल्स दिया है, लिख चुके हैं ईयर और सेल्स, कैसे सोल्व करेंगे देखिए, 4 year फर्स्ट 4 को पकड़िएगा, फर्स्ट 4 को देख रहे ना, तो
तो फर्स्ट फोर का पकड़िएगा तो बीच वाला पकड़ेंगे तो ये मिडिल में आ जा रहा, सेंटर में नहीं हो रहा। फर्स्ट फोर को तो बीच में आ जा रहा ना, दो ऊपर दो नीचे, देख रहे। फर्स्ट फोर को अगर हम पकड़ रहे हैं तो क्या परिस्थिति हो जा रहा है, बीच में हो जा रहा, हो रहा है ना। तो ठीक है, बीच में करके करेंगे, चार चार साल को जोड़ेंगे, 2+6+1+5 फिर क्या होगा, 6+1+5 फिर क्या करेंगे, 1+5+3+7 एक एक छोड़ छोड़ के जैसे कर रहे थे वैसे ही एक एक एलिमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर क्या हो जाएगा भाई, 5+3+7+2 फिर क्या हो जाएगा, 3+7+2+6 फिर क्या हो जाएगा, 7+2+6+4 फिर क्या हो जाएगा, 2+6+4+8 फिर क्या हो जाएगा भाई, 6+4+8+3 यही है ना, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, थोड़ा हाथ को स्टॉप करिएगा, पहले ईयर हो गया, सेल्स हो गया, ऐड कर लेते हैं, 6 2 8 8 6 14 6 7 7 5 12 12 3 15 5 1 6 6 3 9 7 16 5 3 8 7 15 2 17 7 3 10 10 2 12 6 18 7 2 9 9 6 15 15 4 19 6 2 8 8 4 12 12 8 20 6 4 10 10 8 18 23 21 हो गया। सुनिए, सेंटर्ड में नहीं आया है, सेंटर्ड माने समझ रहे हैं, सामने सामने, सेंटर्ड में नहीं आया है तो इसके लिए 2 ईयर का और निकालना होगा ताकि माने सेंटर्ड में आ जाए। अब देखिए यहाँ बीच में अगर निकालेंगे तो देखो सेंटर में आ जाएगा, देख रहे हो, ये अगर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा ना, तो 2 ईयर का ऐसे दोनों को पकड़ेंगे, फर्स्ट टू को फर्स्ट, तो 14+14+15 अब ऊपर से एक एक छोड़ते जाएंगे, 14 छूट जाएगा, समझ रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या होगा, फिर 18+9 फिर 20+2 यही है ना, बताइए कितना हो रही है, 29 31 यहाँ कितना होगा, 33 17 18 कितना, 35 यहाँ कितना होगा, 37 39 यहाँ 41। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए हमें 8 से मल्टी डिवाइड करना होगा, क्यों 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 ईयर इधर हुआ है, 2 ईयर इधर हुआ था, मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 समझ रहे हैं ना। तो ये इवन वाला है, 4 माने इवन हो गया, 3 और 5 क्या था, ऑड था, 3 5 तो आराम से बन जा रहा था, ये भी आरामी से बन रहा है, एक ठो बढ़ाना हुआ, क्या चीज, 2 ईयर मूविंग टोटल, 2 ईयर मूविंग, अब सबको 8 से डिवाइड करेंगे, 29 को 8 से डिवाइड करके बताइए कितना होगा, 3.625 और 31 को डिवाइड करिए, 3.187 कितना, 3.875 कितना हो रहा है, 8.875 कोई तकलीफ, समझे हैं, क्लियर है, क्या कह रहे हैं, अभी तक तो नहीं पूछा गया, 3 4 5 होता है, लेकिन अगर मान लीजिए 6 होगा तो इसी फॉर्मेट में होगा, 12 से डिवाइड होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, क्योंकि 6 का बीच में करेंगे तो फिर तो डबल ही करना होगा ना, ये होगा,